बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम नातिक अली गौहर इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज की केमिस्ट्री क्लास में हमने डिस्कस करना है कि चैप्टर नंबर 2 का समरी। हमने चैप्टर नंबर 2 की समरी पहले एक वीडियो में डिस्कस करी, जो लास्ट रिमेनिंग समरी हमारे पास, समरी वीडियो नंबर 2 हमारे पास जो है, उसके अंदर कुछ बातें डिस्कस करनी है, जो कि क्या है हमारे पास अंदर फॉर द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या चीज डिस्कवर करी, डिस्कवर करने के बाद क्या डिफेक्ट्स उनके अंदर आए, डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए नील बोहर ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दी, क्या बताया कि भाई क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक चीजें बात करनी है, शेल और सब शेल क्या होता है, और लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इन तमाम टॉपिक को हमने समराइज कर डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रदरफोर्ड, उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या था हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ली, एक पतली सी तार ली सोने की, जिसका थिकनेस कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर, इतनी थिक वो कॉइल थी। उसको क्या करा, उन्होंने कॉइल लेकर वहां से एक तरफ से अल्फा पार्टिकल्स, जो हमारे पास ना रेज है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल जिनको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, HE++, जो प्लस डबल प्लस चार्ज हो, ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं हम इसको। इसको क्या करा, बमबार्ड करा, स्ट्राइक कराया, लगाया, इससे क्या हुआ हमारे पास, कुछ एक फिनोमेना ऑब्जर्व करो ने, किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के। क्या क्या उन्होंने, गोल्ड कॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बमबार्ड कराए, उसका एक फिनोमेना कोई बना, कोई एक प्रोसेस हुआ, कोई चीज हमें ऑब्जर्व करनी थी, वो हमने कहा ऑब्जर्व करी, फोटोग्राफिक प्लेट। उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि मैंने जितनी भी अल्फा पार्टिकल्स इससे, लेट्स सपोज ये गोल्ड फॉइल इससे पास कराई, तो क्या होगा, तमाम अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, तकरीबन तमाम, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स, या ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑल रेज पासेस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक एटम होता है, गोल्ड फॉइल की बात करें तो सबके एटम होते हैं, तमाम एटम जो हमारे पास बेसिकली उनके पास ऑलमोस्ट एम्प्टी होती है, बहुत ही अच्छा। देखो हुआ क्या था, पहले इसको डिस्कस कर ले, पॉस्टुलेट्स से बात कर लेते हैं, कि हुआ ये कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बमबार्ड कराए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब ये कि लगकर डायरेक्शन चेंज कर दी, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कुछ मामूली से अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, मतलब अबाउट निग्लिजिबल, लगकर रिबाउंस हो गए, जबकि मेजॉरिटी ये हुआ कि वो वहां से पास आउट होकर चले गए। इसका मतलब ये हमारे पास कि मेजॉरिटी बता रहा है कि मेजॉरिटी रेज पास हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जगह क्या है हमारे पास, खाली, तो ऑलमोस्ट एटम इज ऑलवेज एम्प्टी, ऑलमोस्ट एटम कंप्लीटली, तकरीबन एटम क्या हमारे पास खाली होता है। होता क्या, सोचा क्या चीज होती है, बट ये जो हमारे पास बाउंसिंग बैक और डिफ्लेक्शन बता रहा है कि ऐसे कुछ जगह ऐसी है जहां पर कुछ ना कुछ सख्त है, कुछ ऐसी चीजें जिससे टकरा कर चीज वापस आ रही है, या फिर टकरा कर अपनी जगह को तब्दील कर रही है, उसको तब्दील नहीं कर रही बल्कि वो अपनी जगह को तब्दील कर रही है। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल के अंदर कोई एक डेंसर चीज मौजूद है, एक भारी, एक सख्त चीज मौजूद, उसको बोलते हैं डेंसर चीज, वो डेंसर सेंटर मौजूद है, उसको हमने क्या नाम दे दिया फिर उसको, न्यूक्लियस का। अच्छा, इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज भी कुछ बताई, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास कौन से पार्टिकल्स है, प्लस चार्ज वाले, ये जब लगे इसके साथ तो बाउंस बैक हुए। अगर मैं, अगर मेरे पास जो सेंटर होता, लेट्स सपोज मैं यहां डिस्कस करता हूं कि मेरे पास क्या हुआ, ये था, हमें तो मालूम है कि सेंटर दिख रहा है, अब यह करा मैंने यहां से रेस दिए, अब बहुत सारी रेस क्या हो गई, इससे पास हो गई, कुछ रेस जो थी हमारे पास रख के डिफ्लेक्ट हो गई, डायरेक्शन उन्होंने क्या कर दिया अपनी, चेंज कर ली, लेकिन कुछ थी जो लगकर दोबारा वापस आ गई। इसका मतलब क्या, देखो ये रेस की चार्ज क्या है, डबल प्लस, मतलब प्लस चार्ज है, तो प्लस जब प्लस लेगा तो रिबाउंस होता है हमारे पास, अगर माइनस हो तो क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे होती है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो चार्ज न्यूक्लियस में कौन सा है, प्लस। एक और बात उन्होंने कहा कि भाई ये प्लस चार्ज हमारे, देखो हमने एक और बात डिस्कस करी कि हमारा जो एटम होता है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये कि सेंटर में अगर प्लस है तो उसके गिर्द कहीं ना कहीं माइनस भी होगा, तो उस वजह से हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मतलब है कि इस न्यूक्लियस से गिर क्या इन्वॉल्व करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन, एक बात ये। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई एटम क्योंकि न्यूट्रल, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, जितने पार्टिकल्स न्यूक्लियॉन के अंदर मौजूद है, ठीक है, वो क्या हमारे पास है, जितना प्लस का चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उतना ही माइनस का चार्ज रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट्स के। ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने और कुछ बातें कही थी जिनके बाद उनको हमने डिफेक्ट्स निकाले कि उन्होंने कुछ बातें गलत कही थी। गलत बात उन्होंने क्या कही थी, कहा था कि भाई एनर्जी एमिट्स कंटिन्यूअसली, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑर्बिट में घूम रहा होता है वो क्या करता है, अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली निकाल रहा होता है। अगर वो एनर्जी को हमें कैसे मालूम होगा भाई ये एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं निकालता, गलत है ये बात, कैसे मालूम होगा? देखिए, अगर कोई चीज एनर्जी अपनी कंटिन्यूअसली निकाले और एनर्जी गेन ना करे तो क्या होगा, एक वक्त आएगा कंप्लीट एनर्जी लॉस हो जाएगी इसकी, जब एनर्जी लॉस हो जाएगी तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसी बात है, जबकि हमारे पास ऐसा कोई फिनोमेना हमने ऑब्जर्व नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास बात है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली निकालता है ये नहीं। एक और बात है, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास क्यों एनर्जी अपनी कंटिन्यूअसली निकालता है, तो एक लाइन हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। लेट्स सपोज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को अगर आपको एलाबोरेट करने की कोशिश करो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, तो देखो ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी भी निकाल रहा है। अब उन्होंने कहा कि एनर्जी कैसे निकालता है, रदरफोर्ड ने क्या कहा, कंटिन्यूअसली निकालता है, अगर वो कंटिन्यूअसली निकालेगा तो फॉल कर लेगा, पहली बात ही। तो इस जो कंटिन्यूअसली निकालने वाले जो लाइन को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जबकि हमारे पास ऑब्जर्व क्या हुआ है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, बल्कि कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि क्या होता है हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में बनता है, ये कंप्लीटली कंटिन्यूअसली लाइन नहीं बनती है, यो बनती है, इसमें थोड़े बहुत गैप्स आते हैं, कुछ पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी बाहर आती है। अच्छा, इस चीज को डिफेक्ट्स किसने बताए, हमारे पास रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था, इसका नाम था नील बोहर। नील बोहर ने क्या करा, इन डिफेक्ट्स मालूम करे और उनको ठीक करके पॉस्टुलेट चेंज करे। उन्होंने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते हैं जिस पैथ के अंदर, उसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट का, या मैं ये बोल दूं उसको नाम दिया उन्होंने एनर्जी लेवल का, या ये बोल दूं उसको नाम दिया उन्होंने शेल का। ये तीनों नाम उन्होंने दिया, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, शेल, ये सब क्या है, एक ही चीज के बहुत सारे नेम। तो वो पैथ जिसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस को बोलते हैं ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट होता है इसका स्पेसिफिक रेडियस होता है, जिसको हम बोलते हैं आर। एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है उसका स्पेसिफिक एक रेडियस के मुताबिक रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि कभी उसका सर्कल बड़ा बनता है तो कभी सर्कल उसका छोटा बनता है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट बात करी जो उन्होंने ऑर्बिट बताया, भाई ये स्पेसिफिक एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के अंदर वो मूव करता है, उस ऑर्बिट की स्पेसिफिक एनर्जी भी होती है, फिक्स एनर्जी होती है। क्या होती है हमारे पास, फिक्स एनर्जी। और अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो आपको इसका वर्ड यूज करेगा आपको बुक के अंदर क्वांटम एनर्जी। क्वांटम एनर्जी का मतलब होता है किसी चीज की फिक्स एनर्जी, क्वांटम एनर्जी। तो क्या होता है हमारे पास ऑर्बिट का कोई ना कोई फिक्स एनर्जी, उसको बोलते हैं क्वांटम एनर्जी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करता रहेगा जब तक वो एक शेल के अंदर एक ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तब तक वो कोई अपनी एनर्जी कोई अपनी रेज रेडिएट नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर वो मूव कर रहा है, सपोज ये मेरे पास एक न्यूक्लियस, इससे गिर क्या कर रहा है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अभी तो मेरा हाथ आ रहा है तो इसमें नजर भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहा है, यूं करके रिवॉल्व कर रिवॉल्व करता रहेगा तब तक जब तक वो एनर्जी अपनी निकाल नहीं रहा। बात समझ आ गई, वो जब तक अपनी एनर्जी नहीं निकाल रहा तो वो रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन अब क्या, जब कभी वो अपनी एनर्जी निकालेगा, मींस अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, एनर्जी जब लॉस करेगा तो क्या होगा, ये हायर ऑर्बिट या हायर एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ चला जाएगा। समझाने के लिए यहां पर इस बोर्ड इस चीज को मैं यूज करूँ, देखो ये बात समझ आएगा तो मिटा रहा हूँ, ठीक है। बात क्या कर रहा हूँ मैं, सेंटर में प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, लेट्स सपोज ये पहला ऑर्बिट है ये दूसरा ऑर्बिट है, इसको समझ लिया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसने क्या करा, एनर्जी को लॉस करा,
जब ये एनर्जी लॉस आएगा तो क्या करेगा, ये जंप करेगा। जंप किस जगह करेगा, अपनी एक लोअर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट से ना चला जाएगा लोअर ऑर्बिट, या मैं आपको यूं बोलूं कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा। एक बात ये, दूसरी बात ये कि भाई अगर हमारे पास वो लोअर में मौजूद होगा और कहीं से वो एनर्जी गेन कर लेगा, तो जब एनर्जी गेन करेगा क्या, जंप कर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा। तो उसको हमने, जो हमारे पास बोहर सरों ने कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली बताया, बोला जो एनर्जी में चेंज आएगा जब वो एनर्जी लॉस या गेन करेगा, सो आप कैसे मालूम करेंगे भाई, डेल्टा ई का मतलब होता है एनर्जी में चेंज, कैसे निकालेंगे, ई टू मतलब चेंज जितना हमारे पास फाइनल एनर्जी है, माइनस कर दूंगा मैं ई वन से इनिशियल एनर्जी से, जो कि हमेशा बराबर होगा इसके एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, इस प्लैंक्स कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करूं न्यू के साथ। अब ये न्यू क्या चीज है, मतलब ये न्यू बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जिससे वो एनर्जी लॉस हो रही है। तो बस आपने सिर्फ यहाँ तक ये बात, ज्यादा फर्दर डिटेल के अंदर बात नहीं, ये बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है शेल और सबशेल। देखो हमने डिस्कस करा यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड शेल। तो बेसिकली शेल क्या होता है हमारे पास, शेल एक जगह होती है जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं और ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो इनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, हमारे पास बहुत सारे शेल्स होते हैं, देखो हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी स्पेसिफिक जगह पर मूव करते हैं। अच्छा, शेल के अंदर भी हमारे पास उनके भी कुछ सब शेल होते हैं जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप किसी चीज की समझते हैं, किसी का आप पता पूछें तो आप क्या करते हैं भाई, आप ये बोलते हैं कि वो पाकिस्तान में रहते हैं। अब पाकिस्तान इतना बड़ा है तो मैं कहाँ ढूंढूंगा उसको, फिर आप बोलेंगे पाकिस्तान में सिंध में रहते हैं। अब सिंध भी इतना बड़ा है कहाँ ढूंढेंगे आप, तो सिंध के अंदर भी वो कराची में रहते हैं। अब कराची भी इतना बड़ा तो कराची के अंदर वो आगरताज, अब आगरताज भी इतना बड़ा है, आगरताज में गुलामान है बस गुल में रहते हैं। अब क्या हमारे पास कि आपने पाकिस्तान से स्टार्ट, इतने बड़े लेवल से आप किसी चीज को जब ढूंढने के लिए आएंगे तो क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट से गुजर करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है, जब उसको आप फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, तो आप क्या करते हैं, पहले शेल को देखते हैं कि भाई कौन सा शेल में है, फिर हम देखते हैं सब शेल को, भाई उसके अंदर भी कौन सा सब शेल के अंदर मौजूद है। अब शेल क्या होते हैं, शेल कौन कौन सा होता है और सब शेल कौन कौन से, क्या होता है हमने पढ़ लिया। हमारे पास चार शेल होते हैं, पहला होता है के शेल, दूसरा होता है एल शेल, तीसरा होता है एम और चौथा होता है एन। समझाने के लिए देखो यहाँ पर अगर आप बनाने की कोशिश करूँ, पहला होता है न्यूक्लियस, इससे गिर जो पहला शेल उसको हम बोलते हैं के शेल, दूसरा शेल उसको हम क्या बोलते हैं एल शेल, तीसरे को हम क्या बोलते हैं एम और चौथे को हम क्या बोलते हैं एन। ये देखें न्यूक्लियस सबसे पहले करीब कौन सा होता है, के वाला, उससे दूर एल, उससे दूर एम और सबसे दूर कौन होता है न्यूक्लियस के, एल सॉरी एन। अच्छा ये लिखा मैंने एन वैल्यू, ये एन वैल्यू बता रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल क्या है, ये पहला शेल है मतलब फर्स्ट शेल है, ये कौन सा शेल होता है एल सेकंड शेल, ये कौन होता है थर्ड शेल और ये कौन होता है फोर्थ शेल की बात कर ली हमने। अब हर शेल के अंदर उसके सब शेल्स भी होते हैं, जो मैंने यहां पर डिस्कस करा, जो के शेल होता है ना हमारा पहला शेल, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल होता है, उसको बोलते हैं एस, एस क्या है सब शेल का नाम है, ठीक है, तो एक ही सब शेल होता है एस, जबकि एल के अंदर दो सब शेल, एक एस और एक पी, एम के अंदर तीन सब शेल, एक एस एक पी और एक डी, जबकि लास्ट वाला जो एम शेल होता है उसके अंदर हमारे एम शेल के अंदर चार सब शेल होते हैं एस पी डी और। अच्छा इन सब शेल्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सबसे पहले शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं दो, दूसरे शेल के अंदर कितने होते हैं आठ, तीसरे में कितने होते हैं भाई हमारे पास सब शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि चौथे के अंदर कितने आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सब शेल जो होते हैं हमारे पास, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बताने के लिए कि एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की कहां पर, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने का हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, द वे टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसको मैंने क्या बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सब शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बताया हमारे पास के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई है शेल के अंदर और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, ये मैंने आपको कुछ और बताया। देखो लिखा हुआ है क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर,
तो ये हमारे पास क्या आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। देखो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सबशेल यूज कर रहे हैं, 1s2 2s2 2p6। देखो 17 है तो मैंने 17 से बना रहे हैं, 2 2 4 4 6 10 10 प्लस 2 कितने हो गए 12 12 प्लस 5 17। अब कैसे करते हैं हमारे पास, आपने पढ़ा होगा पहले कि टेक्निक क्या है, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करते हैं। 1s2 फिर आता है 2s2 फिर आता है 2p6 फिर आता है 3s2 फिर आता है 3p5। अगर मैं इसकी बात करूं सोडियम की, सबसे पहले क्या आता है 1s2, फिर क्या आएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, कितने होगा 8 4 और 10, मुझे 11 चाहिए तो मैं एक और बनाऊं क्या यहां पर 3s1 11 हो गए। अगर बात करूं फास्फोरस की तो क्या आएगा यहां पर 1s2 2s2 2p6 कितने होगा 10 और 3s2 हो गए 12 और लास्ट क्या है 3p3 कितने हो गए 15। अब हम बात करें अगर आयन की, देखो आयन में हमारे पास क्या होता है, हमने कहा था कि आयन जब भी बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं हमारे पास, ऐसा ही होता है। तो क्या है इसके अंदर, अगर मैं Cl- का दूं, Cl- उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ गया। नॉर्मली इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, अब कितने हो जाएंगे 18, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली p के ऊपर 5 लिया जा जाएगा 6, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। तो अगर आप देखो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं। अब मैं यहां इसकी बात करूं Na+ की बात करूं, इसमें प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हमने कम कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, अब कितने जाएंगे 10, अब 10 के इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा कितना 1s2 2s2 2p6 कितने हमारे पास 10 हो गए, ये हो गया हमारे पास Na+ का इलेक्ट्रॉन। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, इंशाल्लाह मिला रहा दोगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।